Hello everyone, hope you all are good. My name is Uttama and here we are today with our next topic. And our today's topic is trophic movement. तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि किस तरीके से जो हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं, इन चेंजेस के प्रति जो हमारा जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिएक्ट करते हैं. फिर हमने ये देखा कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में अलग अलग तरह का सिस्टम होता है. हमने ये देखा कि प्लांट्स के पास कोई बहुत ही एडवांस सिस्टम नहीं है जैसे हम ह्यूमंस के पास है. हमारे पास नर्वस सिस्टम है, हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम है, बट प्लांट्स के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है. तो होता क्या है कि प्लांट्स जो है वो अपने हार्मोन्स के थ्रू रिएक्ट करते हैं. ठीक है, फिर हार्मोन्स में हमने टाइप्स ऑफ हार्मोन्स के बारे में देखा. उसके बाद हमने ये भी देखा कि किस तरीके से जो प्लांट होते हैं वो हार्मोन्स के थ्रू रिएक्ट करते हैं. ठीक है, तो अब हमें देखना है कि कितने तरह के मूवमेंट जो हैं प्लांट करते हैं. इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये भी देखा था कि प्लांट्स में दो तरह से मूवमेंट होती है, एक होती है डायरेक्शनल और एक होती है नॉन डायरेक्शनल. डायरेक्शनल यानी कि जो भी स्टिमुली है, सपोज कर लीजिए लाइट एक स्टिमुली है प्लांट के लिए. ठीक है, एक तरफ से लाइट आ रही है तो प्लांट का क्या है, प्लांट अगर लाइट की तरफ रिएक्ट करेगा तो वो क्या कर रहा है, वो डायरेक्शन बता रहा है, वो स्टिमुली की डायरेक्शन में जा रहा है. वहीं उसका जो रूट होता है वो अपोजिट में जाता है. तो क्या है, जो डायरेक्शन है मूवमेंट है वो ऑलरेडी तय है, या तो वो लाइट की तरफ जाएगा या तो वो उसके अपोजिट जाएगा. तो ट्रॉफिक मूवमेंट क्या होती है, दीज आर दी डायरेक्शनल मूवमेंट. हमें पता है कि ये या तो किस डायरेक्शन में ये मूवमेंट होने वाली है. ठीक है, तो हमने अगर हम देखें तो हमने ये देखा कि प्लांट्स के जो स्टिमुली होते हैं वो 5 स्टिमुली होते हैं. इससे पहले वाले वीडियो में भी हम उसके बारे में बात कर चुके हैं. पहला है लाइट, दूसरा है वाटर, देन ग्रेविटी, केमिकल एंड टच. तो ये 5 स्टिमुली के प्रति जो प्लांट्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं. तो जब कोई भी प्लांट लाइट की तरफ रिएक्ट करता है, लाइट सपोज कर लीजिए उसने अपनी स्टेम को लाइट की तरफ मोड़ दिया, तो उसको टर्म करते हैं, उसको डेफिनेशन देते हैं फोटोट्रॉपिज्म. क्या कहते हैं उसको, फोटोट्रॉपिज्म. इसमें क्या है, फोटोट्रॉपिज्म में कभी प्लांट का कोई पार्ट जो होता है वो स्टिमुली की तरफ जाता है. अब एग्जांपल ले लेते हैं, हम पेरेंट्स होते हैं, हम पेरेंट्स अगर हमें बोलते हैं कि ये काम करो, अगर हम उनके अकॉर्डिंग काम करते हैं तो हम उनके लिए बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छे हो जाते हैं. हाँ, अगर पेरेंट्स ने कुछ कहा होता है और हम उनके खिलाफ जाते हैं तो कहते हैं ना तुम बहुत गंदे हो रहे हो, तुम बात नहीं सुनते हो, ये वो. तो उसी तरीके से प्लांट्स ने भी यही डेफिनेशन दी है. प्लांट्स कहते हैं कि जो लाइट की तरफ जाएगा, जो लाइट की तरफ जाएगा उसको हम कहेंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म. क्या कहेंगे, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म. तो प्लांट का कौन सा पार्ट हमेशा लाइट की तरफ जाता है, शूट. आप सबने देखा है कि प्लांट का जो शूट है वो हमेशा किसकी तरफ जाएगा, वो लाइट की तरफ जाएगा. अब प्लांट का जो पार्ट स्टिमुली की तरफ नहीं जाएगा उसे क्या कहेंगे, नेगेटिव, यानी उसने बात नहीं मानी, वो स्टिमुली की तरफ नहीं गया, तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म. समझ में आया, अगर प्लांट्स लाइट की तरफ रिएक्ट कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे फोटोट्रॉपिज्म. अगर प्लांट का कोई पार्ट लाइट की तरफ रिएक्ट कर रहा है तो उसे कहेंगे क्या, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म. और अगर वो उसके अपोजिट जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म. उसी तरीके से जब प्लांट वाटर के टूवर्ड्स रिएक्ट करता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म. अब यही एग्जाम्पल अगर हम ले तो हमने ये देखा है कि जो प्लांट होता है उसकी रूट हमेशा पानी को ढूंढती है क्योंकि उसको पानी पहुंचाना होता है ऊपर की तरफ, तो वो हमेशा वाटर के सोर्स की तरफ मूव करती हैं, डीपर जाएंगे. आपने कैक्टस का एग्जांपल लिया है कि कैक्टस की जो रूट होती है वो बहुत अंदर तक जाती है, बहुत गहरी होती है. क्यों होती है, क्योंकि वो पानी ढूंढ रहा होता है. तो हमने ये देखा कैक्टस के एग्जाम्पल से कि रूट जो होती है वो हमेशा पानी की तरफ जाती है और शूट हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी, अपोजिट जाएगी. ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं यहीं पर फिर से वैसे पॉजिटिव जो रूट होता है, रूट हमेशा पानी की तरफ जाएगा, तो हम देखते हैं रूट इज़ अ पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म. वेयर एज अगर मैं शूट का एग्जांपल लूँ, ऊपर वाला पार्ट जो है प्लांट का वो हमेशा क्या है, वो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म करेगा. एग्जाम्पल है शूट, करेक्ट, समझ में आया. नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है जियोट्रॉपिज्म. ठीक है, जब भी हम देख रहे हैं कि हमारी जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रेविटी की तरफ भी रिएक्ट करते हैं. ठीक है, तो जब प्लांट ग्रेविटी की तरफ रिएक्ट कर रहे हैं तो उसको हम डेफिनेशन दे दिया जियोट्रॉपिज्म. क्या कहा हमने, हमने कहा जियोट्रॉपिज्म. अब फिर से एग्जाम्पल ले लेते हैं रूट का और शूट का, यहाँ पर रूट और शूट के एग्जाम्पल बहुत आ रहे हैं.
तो आप मुझे बताएंगे कि रूट जो है वो किस डायरेक्शन में जाता है, वो ग्रेविटी की तरफ जाता है, ज़मीन के नीचे की तरफ जाता है या ग्रेविटी के अपोजिट जाता है। अगर आप ऊपर की तरफ, अगर हम भी ऊपर की तरफ उड़ने लग जाएँ तो हम भी नेगेटिव हो गए, हम ग्रेविटी की नेगेटिव जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर प्लांट का जो शूट पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट, वो हमेशा ग्रेविटी के अपोजिट जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। वहीं पर जो रूट होता है, रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, वो हमेशा कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसे हम कहते हैं क्या, इसको कहते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। अब हम केमिकल्स की बात करते हैं। हमने देखा है कि प्लांट्स जो है वो केमिकल्स के थ्रू टूवर्ड्स रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो जब भी प्लांट्स, जैसे एग्जांपल हम पॉलन का बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है, जब भी पॉलन कह सकते हैं स्टिग्मा पर गिरता है, फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पर गिरता है, तो वहाँ पर स्टिग्मा पे कुछ शुगर कंटेंट रहता है, न्यूट्रिएंट कंटेंट रहता है, तो क्या होता है, वो न्यूट्रिएंट कंटेंट क्या होता है, वो उसको हेल्प करता है नीचे ओवरी की तरफ पाथ, ओवरी जो होता है ना प्लांट का, वो भी एक केमिकल सेक्रेट करता है जो कि हेल्प करता है कि ये जो पॉलन है वो उसी डायरेक्शन में उसी की तरफ अपनी पॉलन ट्यूब बनाए। तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो प्लांट है वो रिएक्ट करता है टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स द केमिकल, और इसी को टर्म करते हैं कीमोट्रॉपिज्म, ठीक है। एग्जांपल आप अगर कोई पूछे तो आप कह सकते हो कि एग्जांपल है इसका पॉलन। अब इसी में आप नेगेटिव और पॉजिटिव भी देख सकते हो, पॉलन तो पॉजिटिव दे रहा है, मैं चाहती हूँ कि आप नेगेटिव का एग्जांपल आप मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है। नेक्स्ट टच, हमको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो टच की तरफ रिएक्ट करते हैं। अब आप कहोगे कि मैम वो टच मी नॉट प्लांट, नहीं बेटा, टच मी नॉट प्लांट जो है वो ट्रॉपिक मूवमेंट में नहीं आता है, क्योंकि टच मी नॉट प्लांट का डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन तय नहीं है, वो कहीं से भी हो जाएगा। जैसे सपोज कर लो, अगर आपने उसे इस डायरेक्शन से छुआ तो भी वो ऐसे ही डाउन होगा, अगर आप उसको दूसरी डायरेक्शन से टच करोगे तो भी वो ऐसे ही डाउन होगा, तो उसका कोई डायरेक्शन तय नहीं है, तो वो हमारा टॉपिक मूवमेंट में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, टेंड्रिल्स का मूवमेंट आप सबने देखा है कि जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो रेंगने वाले प्लांट, रेंगने क्या कह रहे हैं, जो वो एकदम पेड़ों पे चढ़ते हैं ना, क्लाइंबर्स जिन्हें हम कहते हैं, वो क्या होता है, उनके पास आपने देखा है कि ऐसे झालर जिसे मैं कहती हूँ, ऐसे ऐसे आपने टेंड्रिल्स देखे हैं ना, ये जो टेंड्रल्स होते हैं ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, ये जैसे ही कहीं से टच अगर इनको फील होता है, कोई ऑब्जेक्ट का टच ये फील करते हैं, तो ये उसके ऊपर क्लाइम करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा है कि जो प्लांट होते हैं वो टच की तरफ रिएक्ट करते हैं, और इसको हम टर्म कहते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। क्या कहते हैं, थिग्मोट्रॉपिज्म। और इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है टेंड्रल्स। अब मैं चाहती हूँ इसमें भी आप जो है मुझे बताएं कि नेगेटिव और पॉजिटिव कौन कौन से होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है। अब आप खुद सोचोगे कि इसका बेनिफिट क्या है, नेचर में ऐसा होता क्यों है। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, सीड जो होता है, अब सपोज़ कर लो ये बीज है, कहाँ बनाऊँ मैं ये बीज, अब सपोज़ कर लो ये बीज है, हाँ, ये जो सीड है ये कभी सीधी हो सकती है ज़मीन में, कभी ये उल्टी भी हो सकती है ना। तो ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है ना, ये हेल्प करता है कि रूट का ग्रोथ हमेशा नीचे हो और शूट का ग्रोथ हमेशा ऊपर हो। तो आप कह सकते हो कि ये भी एक बेनिफिट है, एडवांटेज है नेचर का, ये ट्रॉपिक मूवमेंट का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर डालें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और रेगुलर वीडियोज़ के लिए कोई भी डाउट हो स्टार्ट कर सकते हैं।